नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू हाउस में। भारत अपने आप में अलग अलग विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पे मौजूद बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें वर्षों से विज्ञान और भौतिकी के मानदंडों को चुनौती दी है। अभी भी भारत में बहुत से रहस्य हैं जिनको सुलझाने की कोशिश अभी भी जारी है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम सभी को अंदर ही अंदर हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हमारे पास महान शक्तियाँ हों, या हम किसी खजाने को खोज करके रातों रात अमीर हो गए। अब हम तो महान शक्तियों को रातों रात अपने अंदर पैदा तो नहीं कर सकते हैं, फिर हमारे पास एक ही उपाय बच जाता है कि हम एक छुपे हुए खजाने को खोज लें और पूरी जिंदगी चैन के साथ बिताएं। खजाने की खोज करना सदियों से मनुष्य को लुभाते आ रही है। मनुष्य इन खजाने की खोज करने के लिए हर तरह के प्राकृतिक विषमताओं को झेलने के लिए तैयार रहता है। हमारा भारतवर्ष, जिसे सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा से ही आक्रमणकारियों के प्रकोप को झेलता आ रहा है। हम अपने इतिहास अनुसार जानते हैं कि हम कितने समृद्ध हुआ करते थे, और इसी कारण से समय समय पर बाहर के आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर कहर बरपाए, वो चाहे मुगल हों या ब्रिटिश। इन्होंने हमारे खजाने को जमकर लूटा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही खजाने के बारे में जो है तो हमारे देश का, लेकिन इसे लूट लिया गया था और समय के साथ यह गायब हो गया, और इसकी खोज अभी भी जारी है। नादिर शाह अशफर, जो कि पर्शियों के सुल्तान थे, पर्शिया जिसे आज के समय में हम ईरान के नाम से जानते हैं, नादिर शाह जिन्होंने ईरान के अफशरीदी राजवंश की स्थापना की थी, जिस समय नादिर शाह अपने साम्राज्य को मजबूत बना रहा था, उसी समय भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुई लगातार लड़ाइयों और मराठा साम्राज्य के फैलाव के कारण काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। नादिर शाह के पास जब यह खबर पहुंची, तो उन्होंने भारत पर हमला करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह बात पता थी कि मुगलों को लड़ाई में हराने के बाद उसे कितने बड़े खजाने की प्राप्ति हो सकती है।
उसे यह पता था कि इतने बड़े खजाने की प्राप्ति होगी जिसके वजह से उसका साम्राज्य काफी समृद्ध हो जाएगा। नादिर शाह ने सबसे पहले अफगानिस्तान पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उसने भारत पर हमला बोल दिया। तेरह फरवरी 1739 को मुगलों और नादिर शाह ने करनाल में युद्ध हुआ। हालांकि युद्ध में छह दुश्मनों के सैनिकों के सामने खुद के एक सैनिक होने के बावजूद भी नादिर शाह ने मुगल सेना को 3 घंटे के भीतर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस हार के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपने शाही खजाने की चाबी नादिर शाह को सौंप दी। नादिर शाह इन खजाने को लूट करके वापस ईरान की ओर लौट पड़े। इन्हीं खजानों में मौजूद थे दुनिया में मशहूर 2 हीरे, कोहिनूर और दरियाई नूर। मुगलों से मिली जो लूट थी वो इतनी बड़ी थी कि नादिर शाह ने अगले 3 सालों के लिए अपनी सल्तनत के कर को माफ कर दिया। जब नादिर शाह वापस पर्शिया लौट रहा था उसी समय उसके खेमे में बगावत हो गई। अहमद शाह दुर्रानी ने धोखे से नादिर शाह को उसके शामियाने में मौत के घाट उतार दिया। अहमद शाह दुर्रानी, जिसे आज के अफगानिस्तान का पहला राजा माना जाता है, और इन्हीं ने दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की थी। नादिर शाह की हत्या के बाद लूटा हुआ ये खजाना अचानक से ही अहमद शाह के हाथ में आ गया। कहा जाता है उस समय के हिसाब से इस खजाने की कीमत 70 करोड़ आकी गई थी, जिसे अगर आज के समय में आके तो इसकी कीमत तकरीबन 14 अरब के आसपास की होगी। कुछ ही सालों बाद अहमद शाह की तबीयत खराब होने लगी और कहा यह भी जाता है कि उसे चेहरे का कैंसर हो गया था, जिसका कारण कोहिनूर का श्राप था। जब अहमद शाह को ये लगा कि उसकी मौत नज़दीक है तो उसने इस खजाने को कहीं छुपा दिया। इस खजाने की खोज उसी समय से जारी है, लेकिन आज तक ये खजाना कहाँ छुपा हुआ है किसी को नहीं पता। कहा जाता है ये खजाना शायद अफगानिस्तान में मौजूद बमियान घाटी में छुपा हुआ है। बमियान घाटी वही जगह है जहां तालिबान ने 2001 में भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्तियों को तबाह कर दिया था। कितने भी खोज के बावजूद ये खजाना आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया है।
जरा सोचिए दोस्तों, इस खजाने का अगर 1% हिस्सा भी हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लेकर के आए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा इसे कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।